सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करता थोड़ा सारे का मीत अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। अज थोड़े लिए बहुत वधिया रिक्रूटमेंट अपडेट लैके आया हाँ, जो कि पंजाब के कैंडीडेट लिए निकल के आ चुका है जी, जिस HDFC बैंक के पंजाब के कैंडीडेट लिए वैकेंसीज निकल के आई हैं। जिदा कि लास्ट वीडियो मैं तुम्हें यस बैंक दैकेंसी दसिया से, अज जो HDFC बैंक के भी वैकेंसीज जो आउट हुई ने। इस अलग अलग सिटी वाइज थोड़ी वैकेंसीज हो, अमृतसर के लिए, लुधियाना, बठिंडा, ठीक है जी, बटाला हो गया, गुरदासपुर हो गया, पठानकोट हो गया, इदा अलग अलग सिटीज़ के लिए ने। तुम चैक करके ये अपलाई कर लेना कि वैकेंसी लिए तुम एलीजिबल हो, ठीक है जी। जिदा मैं उतने दसा सी फिल्टर लगा के तुम चैक करने, उदा ही ये भी फिल्टर लगा के तुम वैकेंसीज में चैक कर सकते हो। सो पूरी डिटेल दसागा कि अपलाई करना, सो वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखियो। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल में कर लियो सबसक्राइब और बैल आइकन भी दबा लियो, ताकि हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट तुम्हें मोबाइल में मिलता रहे, तो समा रहा तुम ये अपलाई कर पाओ। वैकेंसीज की गल करा, होर बहुत सारे वैकेंसीज ने जिन्होंने तुम सा वैबसाइट पर जाके चैक करके अपलाई कर सकते हो। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट के लिए जुड़े रहना साढ़े नाल, हर एक अपडेट तुम्हें मोबाइल में मिलता रहेगा। तो चलो हूँ मैं तुम्हें लै चलता जी रिक्रूटमेंट अपडेट के उपर, तो उत्थे जाके बाकी इनफॉर्मेशन तुम्हारे शेयर कर दें जी। सब तो पहले तो गल करते हैं, ये वैकेंसीज जिहड़ियां ने HDFC बैंक वालों डायरैक्ट आउट की गई ने, कोई भी थर्ड पार्टी वालों नहीं है। सो इस कोई भी थोड़ी फी जी है जी वो इस नहीं होने वाली है। इस सिलैक्शन जी है जी वो थोड़ी होएगी इस टोटली जी प्योरली जी है इंटरव्यू के बेसिस से। तो इस कोई एग्जाम भी जोड़ा वो नहीं होएगा, या फिर थोड़ा कुछ एक पोस्टा के लिए अगर मैं गल करा जी हायर पोस्ट होंगे ने, थोड़ी जी है एक तुम कह सकते हो कि डैमो या फिर ग्रुप डिस्कशन जी हो सकती है। सो उसकी रेडी रहना है जी। सो ये अपने ध्यान रखना कि कोई पैसा किसी पे नहीं करना। अलग अलग पोस्टा आउट हुई ने अपलाई करने के लिए, जिदा मैं तुम्हें उत्थे दिखाया कि इतने भी तुम्हें दिखावगा HDFC बैंक की वैबसाइट पर तुम लॉगिन करके ऑनलाइन अपलाई करना। तो सब तो पहले रजिस्टर तुम कर लेना, मतलब अपना एक अकाउंट इन्हों की वैबसाइट से HDFC की वैबसाइट से तुम बनाना है, उस तो बाद लॉगिन करना है, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट अगर गल करिए पोस्ट जी कि वैकेंसी जिस आउट हुई ने, तो इस भी मोस्टली सेम ही होंगे ने, बट कुछ एक पोस्टा अलग होगी, जिदा कि रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, रिस्क मैनेजर, ट्रेड सेल मैनेजर एंड कस्टमर सर्विस वैकेंसीज ने जिदे तुम अपलाई कर सकते हो। इस दोनों तरह दैकेंसीज होंगे ने, इतने फ्रैशर्स भी अपलाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने एक्सपीरियंस है वह भी इतने अपलाई जो कर सकते हैं। सो तुम पोस्ट चैक करके अपलाई करना, चैक कर लेना उस पोस्ट की एक्सपीरियंस मंगया गया या नहीं मंगया गया जी। हूँ असं गल करते हैं उस तो बाद इस क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड होंगी है जी। जिदा मैं तुम्हें पहले भी दसिया जी, बैंक लाइन के जी यानी मोस्टली ग्रैजुएशन ही रिक्वायर्ड होंगी है, थोड़ी ग्रैजुएशन है तो तुम अपलाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस थोड़े लिए एड ऑन रहेगा। और इस अपलाई करना जोड़ा जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये प्राइवेट कंपनी है तो इस कोई भी लास्ट डेट नहीं होंगी। सो एज सून एज पॉसीबल तुम ये अपलाई करना है जी। सो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, जब तक पोस्ट ओपन ने तुम अपलाई कर सकते हो, जो क्लोज हो जाएगी है तो इनफॉर्म करता जाएगा कि इस पोस्ट लिए क्लोज है। सो तुम अपनी ईमेल ID सही मैनशन करनी है, ताकि तुम अपडेट्स मिलते रहन जी। उस तो बाद नैक्सट अगर असं गल करिए इतने थोड़ी एप्लीकेशन फी, जिदा मैं दसिया कोई फी नहीं है, चाहे किसी भी कैटागरी में तुम बिलोंग कर दो। नोटिफिकेशन लिए क्लिक करना, तुम इन्हों की वैबसाइट से जो चले जाओगे, इतने जाके तुम अपनी लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हो। सिंपली तुम इतने जो सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है इतने क्लिक करोगे, इतने तुम पंजाब लिख लेना है, जी जी भी एरिए तो हो वो इतने लिख सकते हो। तो उस तो बाद जो सर्च कर लेना। सो उस तो बाद जो उस एरिए वैकेंसीज हो वो आ जाएंगे, जिदा कि मैं इतने तुम्हें दिखा पा रहा है जी, जलंधर पंजाब दियां ने, ठीक है जी। इस मोस्टली जो पोस्टा होंदिया ने जो पंजाब दूँ दिखाते, जो वेकेंट होंदिया ने तुहाडे नियरेस्ट बैंक्स ने उन्होंने ये पोस्टा जिहड़ियां ने वो आउट ने। सो तुसीं उन्हां लई अपलाई कर सकदे हो जी। इस हर एक तरह की पोस्ट है, जिदा मैं तुहानूं पहले दस्सिया कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सर्विस की वैकेंसी है जी, जिस एक साल का एक्सपीरियंस मंगया गया है। इतने बहुत सारे इदा दैकेंसीज ने जिन्हों में जीरो एक्सपीरियंस जो है वो मंगया गया है। इतने 1, 2, 3, 4, 5 मतलब एक पेज के उपर अगर मैं गल करा तो कम से कम 10 से 15 पोस्टा हो, इतने 5 से वध पेज ने जोड़े कि हैगे ने। किसी एक पोस्ट लिए अगर अपलाई करना है तो मैं इतने क्लिक कर लेना है जी उस पोस्ट के उपर। अगर तुम क्लिक करोगे तो थोड़े को पेज ओपन हो जाएगा। माइंड भी होता थोड़े को स्पीड द इशू के कारण मोबाइल डेटा तो चला रहे हो तो स्पीड थोड़ी घट हो, वेट कर लो, ओपन हो जाएगा। इतने उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो तुम खुद पढ़ लेना जी की थोड़े काम रहने वाले ने, स्किल्स की रिक्वायर्ड ने वो लिखिया हुई ने। सो उस तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा, ये तुम इस साइड पर आ जाते हो तो अपलाई की ऑप्शन आती है जी, तुम ये देख पा रहे हो ब्लू कलर के, ठीक है जी। इतने तुम क्लिक कर लेना है जिदा तुम नॉर्मली करते हो अपलाई करने के लिए। उस तो बाद इतने मंगया जाता है अकाउंट, अगर थोड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तुम नीचे आके
ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਅਪਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸਾਈਨ ਅਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ HR ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ HR ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ। ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਔਰ SMS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਰਦਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ GD ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ HR ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ HDFC ਦੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪੇਰੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨ ਰੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ HDFC ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਈਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 200-300 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।